हेलो गाइस, सबसे पहले एक साबुन ले और उसको कद्दूकस से घिसे। अब वो छोटी मैक्रोनी की तरह दिखने लगेगा। अगर आपके घर पर डिटर्जेंट नहीं है तो ये डिटर्जेंट की जगह इस्तेमाल करने का एक अच्छा ऑप्शन है। इतना ही नहीं, अब बचे हुए घिसे साबुन को किसी कंटेनर में लेकर उसमें गर्म पानी डालिए, फिर इसे थोड़ी देर मिलाइए ताकि ये अच्छी तरह से मिल जाए। इसके बाद इसमें एक छोटा चम्मच ग्लिसरीन मिलाइए और लीजिए, घर पर बनाया हुआ लिक्विड सोप तैयार है, जिसको किसी डिब्बे में भर लीजिए और अब आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पर सबसे जरूरी बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि इसमें बहुत ज्यादा साबुन ना डालें। लगभग आधे लीटर पानी में 25 ग्राम साबुन ही डालना है, नहीं तो ये सख्त होकर कुछ ऐसा दिखेगा। काफी टाइम पहले हमने आपको एक स्मार्टफोन को पावर सॉकेट के पास रखने का लाइफ हैक दिखाया था, जिससे स्मार्टफोन फर्श पर नहीं गिरता। पर अब हमारे पास उससे भी अच्छा तरीका है। आप एक चार्जिंग केबल का इस्तेमाल करके अपने फोन को उस चार्जिंग केबल में घुमाकर फंसा सकते हैं और इससे एक काम चलाओ होल्डर बना सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको दो केबलों को नमी से बचाते हुए आपस में जोड़ना होता है। ऐसा करने के लिए दो हीट श्रिंक ट्यूब लें, उन्हें केबल में लगाएं और केबलों को एक दूसरे से जोड़ दें। इसके बाद इसको किसी एक तरफ दबाएं और चारों तरफ से गर्म गोंद लगा दें। फिर इसे अपनी उंगलियों से दबाकर ट्यूब की तरह बना लें, जो इसके खुले हुए हिस्सों को कुछ इस तरह से ढक देगा। अब इस पर हीट श्रिंक ट्यूब लगाकर हल्का गर्म कर लें और लीजिए, ये तैयार है। हमें एक काफी टिकाऊ और भरोसेमंद जोड़ मिल गया, जो आम जोड़ से काफी बेहतर तरीके से नमी को रोकता है। बहुत से लोग स्मार्टफोन पर तस्वीर लिए बिना नहीं रह सकते, लेकिन एक गंदा कैमरा लेंस एक अच्छी फोटो नहीं ले सकता, और अगर आप उसको किसी कपड़े से पोंछते भी हैं तो भी वो उतना अच्छा काम नहीं करेगा। इसके लिए सबसे पहले एक छोटी सिरिंज लें, फिर इसके अंदर का हिस्सा निकाल लें और अब एक रेगमाल का टुकड़ा लेकर उस पर इसको रगड़ें। अब किसी भी तरह का चमड़ा लीजिए, इस तरह का सैंपल आपको नए जूतों के साथ मिल सकता है। इसके बाद सिरिंज के काले हिस्से की गोलाई के बराबर का हिस्सा इस चमड़े के टुकड़े में से काट लीजिए। अब सुपर ग्लू लेकर इस गोले को रबड़ से जोड़ दीजिए। फिर इसे सिरिंज में डालकर देख लीजिए कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या नहीं। फिर एक स्पंज लेकर उसे भी ऐसे काटिए कि वो सिरिंज के अंदर अच्छे से फिट हो जाए। अब आपको एक मोमबत्ती और प्लेट की जरूरत पड़ेगी। अब मोमबत्ती की आंच के ऊपर प्लेट को थोड़ी देर रखने पर उस पर काली इकट्ठा हो जाएगी, और हमको इसी की जरूरत है। जब काफी काली इकट्ठा हो जाए तो उसे ब्रश की मदद से एक जगह पर इकट्ठा कर लीजिए। इसके बाद उसे सिरिंज में डाल दीजिए। ऐसा करने से आपको एक ऐसी बढ़िया सी चीज मिल गई जिससे आप अपना कैमरा आसानी से साफ कर सकते हैं। ये कालिक लेंस पर लगे फिंगरप्रिंट और बाकी गंदगी को बहुत अच्छे से साफ कर देगी, और हाँ, इससे आपके लेंस पर स्क्रैच नहीं पड़ेगा, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। आप अपने बड़े कैमरा लेंस को साफ करने के लिए एक बड़ी सिरिंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बनाने की प्रेरणा हमें एक स्पेशल लेंस साफ करने वाली पेंसिल से मिली, लेकिन ये काफी महंगी है और साथ ही इसमें कुछ बहुत खास नहीं है। इसके अंदर भी वैसा ही चमड़े का टुकड़ा और कालिक है जैसा कि हमने बनाया है।